110 साल 100 साल से ऊपर जो है वो भी यहाँ चार चार महीने रह करके जा रहे हैं। तो मुझे आज पूरी रात नींद नहीं आई। मीडिया के बारे में मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। सरकार की कोई नेता की जेब से पैसे नहीं जाते, समर्थन तो मरने के बाद दुनिया रो जाती है, लेकिन किसान जहाँ का तही रह जाता है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन इस वक्त यहाँ पर, किसान यहाँ पे अड़े हुए हैं अपने मांगों को लेकर। लेकिन कल जो यूपी में हुआ, जो घृणा कृत्य यूपी में हुआ, इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? प्रशासन इस पे मौन बनने का कारण कर रहा है। खुद प्रशासन के मंत्रियों का नाम जिसमें आता है, लेकिन वो मंत्री भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बयानबाजी करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं जानता हूं यहां बैठे कुछ किसानों से मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ था पूरा मामला और उस पर लखीमपुर का जो इतना बड़ा कृत्य हो गया, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। देखिए, सच्चाई तो ये है कि लखीमपुर में जो कृत्य हो गया है जी, हम लोगों के मोबाइलों पर रात ही में आ गया था वीडियो जी, बिल्कुल। और सच्चाई अगर आप देखना भी चाहो तो हम दिखा देंगे कि कार जा रही है, कारें जा रही हैं, कार नहीं जा रही, कारें जा रही हैं और किसान कुचलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग भीड़ में भाग रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो जब मैंने देखे तो मुझे आज पूरी रात नींद नहीं आई कि हम 10 महीने से इस बॉर्डर पर जुड़े डटे हैं, किस रोटी हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सर्दियों में काटा, गर्मियों में 45 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप काटी, बरसात में मैंने मूसलाधार से लेके झिमझिम की बरसात भी काटी और आज पूरी साल होने को जा रही है कि हम लोग यहाँ डटे हैं। हम नहीं डटे, हमें अपना दुख नहीं है, लेकिन हमारे 70, 80, 90 और यहाँ तो सच्चाई है कि हमारे पिताजी जो है 110 साल 100 साल से ऊपर जो है वो भी यहाँ चार चार महीने रह करके जा रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किसान, मुझे तो नींद ही नहीं आई कि ये क्या हो गया लखीमपुर में, इतना बड़ा कृत्य हो गया। बीजेपी के जो नेता है, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे का नाम आ रहा है, उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है, तो इसमें आप लोग किस प्रकार देखते हैं उसे? अब जो आरोप लगाया जा नहीं रहा है जी, ये तो लोगों का क्वेश्चन है जी। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी जी और उनके खिलाफ सब कुछ होगा, लेकिन भरोसा नहीं है फिर भी हमें, क्योंकि अभी करनाल में घटना हुई थी। सरकार की कोई नेता की जेब से पैसे नहीं जाते, किसानों का टैक्स खजाने में जमा है, चलो 25 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा हमें दे देते हैं, जो हम लोग आमदनी सिंचाई से पैसा जोड़ के खजाने में जमा करते, खजाने से ही देते हैं जी, कोई कंपनी से नहीं दिलाते जी। लेकिन उस पैसे में भी इनको तकलीफ होती है देने में जी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात इस चीज की है कि जो अधिकारियों के द्वारा, जो राजनेताओं के द्वारा, जो मास्टरमाइंड लोगों के द्वारा ये घटनाएं घटित की जाती हैं, वो बैठे कहीं होते हैं और दिमाग कहीं चलाते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के देश आजाद होने से पहले लोग मालिक कहाँ बैठा करते थे और कहाँ पर हिंदुस्तान का ही किसान और जवान लड़ता था, आज वही कंडीशन देश की हो गई है कि हमें सरकार के मास्टरमाइंड व्यक्ति का ही पता नहीं लग पा रहा है कि इस सरकार को चला कौन रहा है, कौन कंपनी चला रही है। दो कंपनियों के केवल नाम सामने आ जाते हैं, अंडानी और अम्बानी, लेकिन मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि इस सरकार को लगभग 20 से ज्यादा कंपनियां चलाने का काम कर रही हैं, जिसमें 2-4 कंपनियां देसी हैं और कुछ कंपनियां विदेशी भी हैं। तो जैसे आपको बता दें कि अभी अभी अंडानी जी के एयरपोर्ट पर 3,000 किलो क्या चीज, गेहूं भी जीरा नहीं जी, चना चावल नहीं, हेरोइन। हेरोइन की कीमत आप जानते होंगे, देश में लोग शायद ये लोग नहीं जानते, सब नहीं जानता होगा, अरबों में कीमत है इनकी, है ना, 1 करोड़ से ज्यादा 1 किलो की कीमत होती है। इस हेरोइन की कीमत जो है 21,000 करोड़ से ज्यादा आकी जा चुकी है। शायद हमारे किसानों ने सोचा भी नहीं होगा इतना पैसा अगर किसानों के लिए कहीं भी, तो ये किसान आत्महत्या नहीं करते। इसका 10% भी पिछली सरकारों ने कुछ ऋण माफ किए, यूपी की सरकारों ने किए। विपक्ष के जो नेता है जो वहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी घेराबंदी कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ये राजनीति नहीं तो? मैं आपको बता दूं कि नेता तो अपनी राजनीति करते हैं जी,
और राजनीतिक रोटियां ही सेकने का काम तमाम पार्टियां समर्थन देती हुई नजर आ रही है। समर्थन तो देखो हमने कहा कि अगर ये पार्टियां समर्थन दे, ठीक है, समर्थन तो मरने के बाद दुनिया रो जाती है, लेकिन किसान जहां का तही रह जाता है, उसके लिए किसानों के लिए कोई प्रोपगंडा नहीं बनाया जाता। जैसे किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, किसी किसान का बिजली का बिल माफ नहीं किया जाता, किसी किसान का कोई, क्योंकि पेट्रोल की कीमत, किसान का अनाज जो है गेहूं, आपको छोटा सा उदाहरण दे दें, एक फसल का ही दे दें आप उसी से समझ जाएंगे। 1983 में मैंने एक इंजन लिया था 82 में जी। मैं 72 रुपए की कैन भराता था 20 लीटर की, कहने का मतलब 320 रुपए 30 पैसे लीटर, शायद पूर्वजों को ध्यान हो, डीजल पड़ता था। और उस टाइम गेहूं के रेट जो है 140 रुपए लेवी का मैंने अपना बेचा है जी। मुझे याद है मेरे पिताजी बेचते थे, मैं छोटा था, गाड़ी भर के ले जाता था जी। उसके बाद मैंने 1999 में ट्रैक्टर खरीदा जी। तो सच्चाई है कि 9 रुपए लीटर डीजल खरीदता था और 540 रुपए किलो हमारी लेवी थी 1999 का वायला। 2014 से पहले जी। कहने का मतलब है गेहूं का दाम 12, 13, 14 रुपए तक रहता था और पेट्रोल का दाम 28, 30, 29 रुपए के आसपास रहता था। कहने का मतलब था कि हमको 1 क्विंटल डीजल खरीदने के लिए मात्र 2 क्विंटल गेहूं, 2.25 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ता था, और 99 में तो 540 में ही भर जाती थी टंकी 900 का, तो मुझे 2 क्विंटल से कम गेहूं बेचना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद इस सरकार ने डीजल के और किसान के गेहूं के डिफरेंस को कितना बढ़ाया है, शायद आप कोई सोच नहीं सकते, किसानों ने भी आकलन नहीं किया होगा कि आज मुझे 100 लीटर डीजल खरीदने के लिए कितने का आएगा, आप बताओ, 10,000 के आसपास, 100 रुपए के आर पार डीजल चल रहा है, और हमारा गेहूं क्या भाव बिक रहा है, 15, 14, 16 रुपए। एमएसपी किसी को मिल गई हो भूल भटक के, वो भी दलालों के हाथ मिल जाती है, थोड़ी बहुत कहीं का बहाना है, तो हम अपना 15 रुपए 16 रुपए गेहूं बेचें और 100 रुपए डीजल खरीदें। कहने का मतलब है 1 क्विंटल डीजल खरीदने के लिए मुझे 6 और 7 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ता है। क्या हम किसानों की यही अच्छे दिन है? इस सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं, वापस उसी क्वेश्चन पे चलो आ जाओ। लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कृत हुआ, नरसंहार हुआ, 4 से ज्यादा किसानों की मृत्यु बताई जा रही है वहाँ पे, उन्हें रोंदा जा रहा है, देश में जवान मरे या किसान मरे, केंद्र की सरकार को फर्क नहीं पड़ता, इस पे आप क्या कह रहे हैं? मैंने वीडियो देखा जी, जो मैंने देखा उसमें एक पिता मरा और उसका बेटा जो है आर्मी से जी जी बिल्कुल छुट्टी लेकर के आ रहा है। आज इस सरकार ने, आपने पढ़ी हो कभी पढ़े लिखे सौरव एंड रुस्तम की कहानी, बाप बेटे की, जी, किसी ने पढ़े लिखे में हमने पढ़ा है कि सौरव एंड रुस्तम को आमने सामने खड़ा कर दिया गया था युद्ध के लिए। आज वही दिन आ गया है कि इस सरकार ने बाप और बेटे को, किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जाओ जी। इधर आप देखो हमारे बीच में बैठे सारे किसान बैठे हैं, थोड़ी दूर पे जाओ ये बैरिकेडिंग के आगे जब बढ़ोगे तो आपको वहां सारे जवान मिलेंगे। क्या वो जवान अंडानी के बेटे नहीं है? मोदी जी के तो बेटे ही नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो हमारे महान है, देश के ही महान है, पत्नी को भी छोड़ दो तो भी महान है। शायद आपको महसूस होगा कि मोदी जैसा जी जैसा कोई इस देश में दामाद नहीं ढूंढेगा जी। आज मोदी जैसा कोई दामाद नहीं ढूंढना चाहता। आपकी बेटी अगर आप ढूंढोगे मोदी जी जैसा कोई दामाद अपनी बेटी के लिए, लेकिन मोदी जैसे देश की कोई भी महिला मोदी जैसी पति नहीं ढूंढेगी। देश का कोई भी, क्या बोल रहे हम अब तो, तुम तो सभी समझदार हो, कहां कहां तक बोले इशारों में ही समझ जाओ। मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मीडिया भी सवालों के घेरे में आते हैं, दैनिक भास्कर की प्रतिया, दैनिक जागरण की प्रतिया जलाई जाती है सरेआम, और कहा जाता है कि जो मीडिया है वो किसानों को उपद्रवी बताने का काम कर रहे, तो उस पर आप क्या क्या कह रहे हैं? बेटा मीडिया के बारे में मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।